नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आज की डेट में हर कोई परेशान हो रहा है। जी हाँ, पिछले एक दो दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, खासकर आज के दिन जो घटनाएं घटी हैं वो तो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। कल से ही कंटिन्यूअसली मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर एक बार ये चेक करके बता दीजिए कि क्या होने वाला है, ओमिक्रॉन फैल रहा है, ओमिक्रॉन ने अपना रूप बदल दिया है, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ गया है और यूके ने जो शॉकिंग रिपोर्ट दी है आज उससे तो काफी ज्यादा परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल गई। बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है और अब आगे आखिर क्या होगा ये बहुत बड़ी समस्या सबके सामने खड़ी है। हम बात कर रहे हैं कालसर्पयोग की, 2022 की अप्रैल मई के महीने की, कि वहां पर कुछ होगा, बट सिचुएशन आज खराब होते हुए दिख रही है या फिर पैनिक वाली जो सिचुएशन है वो आज है, आपके दिमाग में डर आज है, तो अभी की बात करना ज्यादा जरूरी है। आप सभी ने मेरा कुछ समय पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कालसर्प के बारे में बताया था कि कालसर्प किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से चलेगा और किस तरह से अपना ये प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। यहां पर देखिए अच्छी चीजें क्या क्या हुई है मैं आपको बताता हूं, अगर आपको खराब दिख रही है तो आप उसको खराब समझिएगा बट मैं उसको अच्छा काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज द प्लस पॉइंट इज कि कालसर्प के पहले ओमिक्रॉन तो आ चुका था, ओमिक्रॉन तो नवंबर में ही आ चुका था, 20 नवंबर के आसपास ओमिक्रॉन की शुरुआत हो चुकी थी। ये शुरुआत कब हुई थी? जब जुपिटर जो था आपका वो मकर राशि में था, मकर राशि से कुंभ में ट्रांजिट करने वाला था और ये बात हमने पहले भी कही थी कि दिस टाइम व्हेन द जुपिटर विल ट्रांजिट टू द मकर राशि इस समय ये बराबर खराब नहीं करेगा बिकॉज दिस इज द प्रोसेस फॉर द हैंडशेक। ये जो प्रोसेस है ये एक तरह से सैटर्न को गुड बाय कहने का प्रोसेस है और खराब चीजों को सही करने का प्रोसेस है और जुपिटर ने अपने काम शुरू किया और ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई। वहां पर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया ये बिल्कुल फ्लू में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया और वैसा ही होना भी था और होना भी है और आगे भी होगा, ये आप देखेंगे। तो यहां पर जब जुपिटर ने अपना काम पूरा और प्रॉपर कर लिया और अब जुपिटर धीरे धीरे अपने घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुंभ राशि से फास्ट मूवमेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बीच में यहां पर सूर्य ग्रहण भी आया और काफी सारा ट्रांजिट मोड भी बना। बट अब जो शुरुआत होती है ये शुरुआत होती है कालसर्प की। 13th of December 2021 ये वो दिन था जहां से कालसर्प की शुरुआत हुई थी और हमने कहा था कि यहां पर कालसर्प बनना शुरू हो जाएगा बट जैसे कैलकुलेशन थी कि इनिशियली जो है वो कालसर्प प्रबल बनेगा, फिर आंशिक बनेगा, फिर प्रबल बनेगा, फिर आंशिक बनेगा, फिर फाइनली प्रबल बनेगा, कुछ इस तरह की वेरिएशन में कालसर्प जाता हुआ दिखाई देगा। यहां पर मंगल और केतु का युति जब हुआ, जिस दिन मंगल और केतु का युति हुआ था उसी पर्टिकुलर दिन जो हादसे कालसर्प की वजह से होने थे, जो हादसे मंगल केतु की युति की वजह से होने थे वो सारे यहां पर हो चुके हैं। नाउ मंगल ट्रांजिट कर चुका है और कालसर्प प्रबल हो चुका है। अब यहां पर जो ये कालसर्प प्रबल हुआ है ये दो दिन और रहने वाला है या कल मैक्सिमम और रहने वाला है, इसके बाद ये कालसर्प वापिस आंशिक तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ओमिक्रॉन ने जो एक स्प्रेड किया है ये लंबे समय के लिए स्प्रेड नहीं है, बहुत छोटे समय के लिए स्प्रेड है, इस स्प्रेड को आप बहुत ज्यादा खराब मत मानिए। एंड प्लस पॉइंट क्या हुई है अब इसमें देखिए कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी आ गया है, मतलब कि ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से अपना रूप परिवर्तित किया है। और एक और अच्छी चीज यहां पर हुई है कि हमें अब ओमिक्रॉन के लक्षण पता चल गए हैं, सिम्टम्स पता चल गए हैं कि फाइनली किस रीजन से ओमिक्रॉन होगा या बॉडी में कैसे पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं। तो दैट इज अ गुड न्यूज क्योंकि सिम्टम्स पता है, मतलब कि वैक्सीन पे काम कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी आप देखिएगा वैक्सीनेशन और मेडिकल साइंस में तरक्की होने ही वाली है। यहां पर शुक्र वक्री होने वाले हैं अभी और शुक्र देव जैसे ही वक्री होंगे तो वैक्सीन और मेडिसिन में तो तरक्की होनी ही होनी है। साइंस की जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्पीड में और बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता अभी भी कि ओमिक्रॉन से यहां पर या इस मूवमेंट पर खतरा है। डेट आएगा, नया वेरिएंट भी आएगा, खतरा भी आएगा, बट ये अभी नहीं दिखाई देता। यहां पर देखा जाए तो चीजें अब थोड़ी सी टर्न होती जा रही है। टर्न का मतलब है कि यहां पर नॉर्थ से साउथ शिफ्टिंग होता जा रहा है, साउथ से नॉर्थ एकदम शिफ्ट होगा। यहां पर ऐसा इसलिए कह रहा हूं यहां पर क्योंकि जिस तरह की कैलकुलेशंस चल रही हैं ये इसी तरह से शिफ्टिंग मोड में चल रही है। अभी जो ज्यादा इंपैक्ट आएगा, जो ज्यादा खबरें आएंगी, जो ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, यहां पर थोड़ी सी परेशानियां प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर इंडिया में मैं बात करूं तो इंडिया में भी आप देखिएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल से न्यूज आना शुरू हो जाएंगी, कुछ नेगेटिव न्यूज वेस्ट बंगाल से आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं।
इसके अलावा नॉर्थ से भी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ से भी कुछ नेगेटिव न्यूज यहां पर इंडिया में आने के चांसेस बनते हैं। यहां से लेके आने वाले 10 से 12 दिन और एक महीना जो है कुछ इसी तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। एक महीने का वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि आने वाला एक महीना कैसा जाने वाला है, बट आने वाले 12 से 15 दिन जो है वो ओमिक्रॉन के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं या फिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर ओमिक्रॉन कम होता हुआ नजर आएगा। बट जैसे हमने बात करी थी कि 30 दिसंबर से 13 जनवरी तक के बीच का जो समय रहेगा, ये काल सर्प को फिर से प्रबल करता हुआ नजर आएगा। और यहां पर अगर केसेस बढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी चिंताजनक बात होगी, बट ये भी कम चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे ज्यादा चिंताजनक बात आगे आने वाली है, जिसके बारे में हम बात करेंगे संडे के दिन लाइव सेशन में। कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है या कुछ बहुत बड़ा ट्रांजिट यहां पर होने वाला है प्लैनेटरी पोजीशंस में, जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में संडे के दिन लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि काल सर्प के अलावा एक और जो बड़ी घटना घटने वाली है वो शायद काल सर्प से भी बड़ी घटना यहां पर हो सकती है, और इस तरह के माहौल में इस तरह की घटना घटना एक बड़े संकेत, एक बड़ा संकेत देता है, बड़े संकट को अंदेशा देता है यहां पर। तो उसके बारे में हम संडे के दिन लाइव सेशन में चर्चा करेंगे। तो अभी जो ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट, नया जो रूप आया है, ये जो जब मेरे पास न्यूज आई उसी समय मैंने प्रश्न कुंडली बनाकर भी जो देखा था, तो वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब स्प्रेड कुछ लेवल पे हो भी जाए तो ये नुकसान नहीं देगा, मतलब कि एक तो कंफर्म है कि डेथ रेशियो इज लोअर और लेस देन एनीथिंग एल्स, तो यहां पर ये तो कंफर्म है कि स्प्रेड हो सकता है, चांसेस हैं, बिकॉज इट्स अ फ्लू, जब फ्लू है तो स्प्रेड हो सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। बट यहां पर बहुत ज्यादा खराब चीजें मुझे नहीं दिखाई देती और बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें होते हुए भी मैं अभी नहीं देख रहा। 19th of December से ओमिक्रॉन में जो है कि एकदम से सडन स्पाइक आया है, ये भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और आने वाले 4 से 5 दिन फिर नॉर्मल जाएंगे। फिर क्रिसमस आएगा, फिर स्पाइक थोड़ा सा नजर आएगा, एंड देन न्यू ईयर, और न्यू ईयर के बाद का जो वीक रहेगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक। 2nd ऑफ जनवरी से लेके 7th ऑफ जनवरी तक के बीच का जो समय है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। यहीं पर आपको ज्यादातर स्पाइक देखने को मिलेंगे या ज्यादातर केसेस के नंबर्स देखने को मिलेंगे या ऐसी र्यूमर्स देखने को मिलेगी कि कोरोना का ओमिक्रॉन जो है वो फैलता जा रहा है। अगेन कहूंगा, डेल्टा के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं होगा और ना ही हो पाएगा, और आप चाहे इसको कैलकुलेशन में देखें, चाहे इसको प्रैक्टिकल देखें, चाहे थोड़ा सा अपना रिसर्च करके देखें, और चाहे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी चीजें उतनी ज्यादा खराब नहीं है, सिवाय एक काल सर्प के, एवरीथिंग इज प्लान एंड बैलेंस्ड। शनि और शुक्र की युति बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जुपिटर इज बैलेंस्ड इन द ट्रांजिट मोड जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, मंगल लग्न का लॉर्ड 8वें घर में वृश्चिक राशि में अपने ही घर में बैठा है, जो कि भारत की जनता को या फिर आप विश्व की जनता को भी देखो तो एक तरह से राजयोग में तब्दील करता है और दीर्घायु देता है, अच्छी आयु देता है। तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे मास डेथ, हाँ डेथ के चांसेस हैं और वो अलग तरह से है जिसके रीजन हमने बताया और वो डेथ हुई भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई, बट बीमारी से डेथ अभी होता हुआ तो नहीं देख रहा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं जो खराब हो रहा है। सूर्य धनु राशि में एंटर कर चुके हैं, अब सूर्य का ट्रांजिट भी हो चुका है, मंगल सूर्य का विस्फोटक योग भी खत्म हो चुका है, जो कि नेगेटिव था, जिससे आग वाग की घटनाएं हो रही थी, अब वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो वो अगेन अब आपका एक स्टेबल पोजिशन पर जाता हुआ नजर आएगा। मंगल केतु की वजह से जो अंगारक है वो थोड़ा सा प्रबल बनेगा, बट अब भूकंप के झटके और सर्दी के कारण से परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी, तो वो नेचर पर आ चुका है पूरा का पूरा, तो अभी जनजीवन को तो ज्यादा परेशानी है ही नहीं, बड़े लीडर्स को, टॉप लीडर्स को जरूर परेशानियां रहेंगी, तो इस कारण से अगर थोड़ी सी जनता को परेशानी हो तो वो भी यहां पर कहीं ना कहीं परेशानियां देगा। बट मोर ओवर मुझे लगता है कि बाउंड्रीज पर, सीमाओं पर दिक्कतें, परेशानियां ज्यादा रहेंगी। तो ये कह दूं कि बिकॉज ऑफ द कोरोना हम सभी परेशान होंगे, तो मुझे ग्रहों के माध्यम से इस तरह की खराब चीज नहीं दिखाई देती। सिर्फ एक कालसर्प के कारण से ऐसा कह देना कि कालसर्प के कारण से समय खराब हो जाएगा, तो ये शायद ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि कालसर्प की स्ट्रेंथ देखिए आप, कालसर्प की पोजिशन को देखिए और उसके पैटर्न को समझिए, तो आप देखेंगे कि कालसर्प उतना ज्यादा खराब नहीं जा रहा अभी, तो इसके लिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि कालसर्प बहुत ज्यादा खराब होता हुआ नजर आएगा। अभी भी कहूंगा कि चीजें पॉजिटिव हैं और एक अच्छे लेवल पे हमें यहां पर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है। ओमिक्रॉन की जब शुरुआत हुई थी, उस पर्टिकुलर दिन की कुंडली जब मैंने बना के देखी थी, तब भी यही था कि द स्टेबिलिटी ऑफ द वायरस इज वेरी लो, तो वहां पर वायरस के पास स्टेबिलिटी बहुत कम थी। इसीलिए आप शायद देखिए कि ओमिक्रॉन को बढ़ने में ऑलमोस्ट
15 से 20 दिन का समय लग गया। अगर मैं मान के भी चल लूं कि 15 नवंबर या 20 नवंबर को स्प्रेड शुरुआत हुई थी ओमिक्रॉन की, तो शायद आज ऑलमोस्ट 15 दिसंबर को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इसको अपने आप को स्टेबल करके लोगों में फैलाने में। तो इसीलिए कहूंगा कि ओमिक्रॉन यहां पर कहीं ना कहीं स्टेबल है, नेगेटिव नहीं है, धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है और जैसे जैसे इसके रूप बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे ये और भी ज्यादा वीक होता जा रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी इससे परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे एंड ओमिक्रॉन के वेरिएंट को समझने की कोशिश करेंगे एंड ट्रस्ट मी आने वाला समय ओमिक्रॉन को बहुत जल्दी चेंज कर देगा या रिप्लेस कर देगा विद सम न्यू वेरिएंट। तो बहुत जल्दी आपको नया वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन नहीं कुछ और नाम से आएगा वो भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। ये भी मैं डेट संडे के दिन बताऊंगा आपको कि आखिर ये कब होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी का जो समय है वो अनस्टेबल है, तो आप उस समय की उसको समझेंगे पोजीशन को और अपने मन को आप स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। 3-4 दिन की बात है, निकल जाएगा समय और क्योंकि फेस्टिवल या फिर थोड़ा सा इस तरह की चीजें बन रही है ताकि आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें और इन चीजों में अपने आप को ना उलझाएं या ना पड़े इन चीजों में। नए साल का स्वागत करिए, खुश रहिए और आराम से रिलैक्स होके आप इस समय को निकालने की कोशिश करिए। 2019 निकल गया, 2020 का जो टफ टाइम था, टफेस्ट टाइम, वो भी हमने निकाल दिया। 2021 का साल जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था इनिशियली आप सभी को, बट जैसा हमने कहा था कि फर्स्ट फेज ऑफ द 2021 विल बी डिफिकल्ट बट सेकंड फेज उतना खराब नहीं है और यही हम देख रहे हैं यहां पर। 21 भी आराम से आपका निकल गया है एंड 2022 और ज्यादा अच्छे से आने वाला है। तो इसीलिए पॉजिटिव रहिए, एक अच्छी अप्रोच रखिए और अपने मन को भी खुश रखने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।